नमस्कार। क्लास सेवन मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर चल रहा है। ठीक है, सी नंबर करने का है। ठीक है, इसमें क्या है, 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10 है। तो इसका वैल्यू कैसे बनाएंगे, ठीक है, सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज करना है हमको। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, 5 4 10 यानी अपना वैल्यू जीरो वाला इससे आ जाएगा इजीली। ठीक है, ये खुद ही जीरो है। ठीक है, तो ये दोनों को साथ में हम रख ले तो 25 × 4 = 100 होता है। सबसे बेस्ट यही होगा, यदि इन दोनों को करें तो 60 होगा। तो ज्यादा अच्छा वैल्यू ये है, 100 से किसी को मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो 15 इंटू क्या करेंगे, माइनस 10, ठीक है, इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4। क्यों, क्योंकि इसको एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी तो लिखना पड़ेगा, कौन सा बोलते हैं, कम्यूटेटिव। तो मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, कम्यूटेटिव है ये। ठीक है, किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू सेम टू सेम आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 15 इंटू माइनस 10, ठीक है, पहला, इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई सा रूल का यूज हमने नहीं किया है। ठीक है, इसमें कोई सा भी रूल का यूज नहीं किया है। वैल्यू क्या हो जाएगा, -150 इंटू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15000। ठीक है, आंसर आ गया। तो इसमें सिर्फ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स लिया है, ये एक तरह से एसोसिएटिव लग रहा है। ठीक है, ये जो है एसोसिएटिव लग रहा है, लेकिन इसमें एसोसिएटिव में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप में हमने बना दिया इसको। ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप में बना दिया, तो लिख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर कंप्लीट हो गया।